हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जासिम किचन। आज हम बनाएंगे चिकन कोरमा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया 1.5 kg चिकन, 3 बड़े साइज़ के प्याज को फ्राई करके हमने निकाल लिया है। हमने लिया टमाटर, हरी मिर्च, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें हमने लिया जीरा, लौंग, इलायची, जावित्री, जायफल, पीपली। तेल को गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें अब डालेंगे खड़े गरम मसाले। ये हमने वही तेल लिया है जिसमें हमने अनियन फ्राई की थी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन डालने के बाद इसे अच्छी तरह फ्राई करना है। जब हमारा चिकन वाइट वाइट हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे नमक और हल्दी पाउडर। नमक और हल्दी पाउडर डालने के बाद चिकन को अच्छी तरह फ्राई करना है। फ्राई होने में 2-3 मिनट्स लगेंगे। फिर इसमें हमें डालना है टमाटर और हरी मिर्च। इसको डाल के भी हमें 5-6 मिनट तक कुक करना है। जब टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें डालेंगे दही। हमने लिया है 2-3 टेबल स्पून दही, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। सभी को डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमें इसे कवर करके अच्छी तरह भूनना है सभी मसालों को। जबकि हमारा जो चिकन भून रहा है इसमें अपने अनियन को ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड का हमें पूरा पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा सा पीसना है कुछ इस तरह का। आफ्टर 10 मिनट्स हमारा जो चिकन है वो इस तरह का हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। इसमें हम डालेंगे अपने अनियन, प्याज को अच्छी तरह हमें मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जितनी भी हमें ग्रेवी चाहिए वो उसी स्टेज पे हम इतना पानी डालेंगे जितना भी हमें चाहिए। ग्रेवी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे चिकन मसाला। इसे कवर करके हमें 10 मिनट तक कुक करना है। आपके 10 मिनट्स ये एकदम रेडी है। आप इसे गार्निश करें धनिया पत्ते के साथ। आप देख सकते हैं ये एकदम रेडी है। आप इसे सर्व करें रोटी, नान, चावल के साथ। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बनाए अपनी फैमिली को खिलाएं।